निष्ठा प्रशिक्षण के ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विज्ञान शिक्षण शास्त्र के इस स्वत्र ध्वनि में हम विज्ञान को पढ़ाने के लिए अपने सीखे गए विभिन्न तरीकों का उदाहरण रूप में अप्लाई करेंगे। इस अध्याय के सीखने के प्रतिफल हैं, ज्ञानात्मक स्तर पर है, छात्र ध्वनि उत्पन्न होने के विभिन्न तरीकों से परिचित हो सकेंगे। बोधात्मक स्तर पर है, छात्र घटना के घटने, यहाँ घटना ध्वनि उत्पन्न होना है और उसके कारणों के बीच आपसी संबंध को नियम और सिद्धांत के रूप में बता सकेंगे। प्रयोगात्मक स्तर पर है, छात्र ध्वनि के सिद्धांतों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। छात्र उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर रचनात्मक तरीकों से ध्वनि के अवधारणाओं का प्रदर्शन कर सकेंगे। यह इसमें अध्यापक के लिए भी कहा गया है कि विज्ञान जांच पड़ताल और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है को आधार बनाकर ध्वनि अध्याय का अध्यापन करना कर सकेंगे। सत्र का नाम है ध्वनि। हम जानते हैं कि अपने परिवेश में या प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं को सिद्धांतों या नियमों के रूप में प्रदर्शित करना, उन्हें पिरोना ही विज्ञान कहलाता है। इसी क्रम में हम हमारे पूर्व के साथियों द्वारा विज्ञान शिक्षण शास्त्र के विभिन्न तरीकों विधियों के द्वारा सीखे गए अनेक तरीकों को उदाहरण रूप में जानेंगे और एक ध्वनि का उदाहरण लेकर उसको उन तरीकों को हम अप्लाई करेंगे और यह समझेंगे कि विज्ञान को बच्चों को सरलतम रूप में कैसे उनके सामने प्रदर्शित किया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले आवश्यक होगा कि बच्चे के पूर्व ज्ञान का आकलन किया जाए। पूर्व ज्ञान के आकलन के आधार पर ही या पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम उन्हें जो है आपने आगे की शिक्षा देना उचित रहेगा या अच्छा रहता है। इस क्रम में पूर्व ज्ञान के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों से प्रश्न करेंगे अध्यापक कि अपने आसपास स्थित ऐसे पशु पक्षियों के नाम बताइए जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो बच्चे उदाहरण देंगे, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी इत्यादि। फिर प्रश्न करेंगे कि अपने परिवेश में स्थित ऐसे मशीनों, परिवहन के साधनों को बताइए जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों का रिस्पॉन्स होगा कि मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कारखाना की साइरन। अगला प्रश्न करें कि अपने विद्यालय में प्रयुक्त ऐसे वाद्य यंत्रों के नाम बताइए जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो बच्चे बोलेंगे ढोलक, हारमोनियम इत्यादि। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बच्चे ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है उससे परिचित हैं, उसको जानते हैं। पश्चात आगे के लिए हम उन्हें गतिविधि कराएंगे जिसमें पहली गतिविधि है कि ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों की खोज। इसे जो है हम बच्चों के द्वारा अपने अध्यापक अपने देख रेख में कराएंगे। इसे करने के लिए अध्यापक जो है सर्वप्रथम विद्यार्थियों को अनेक समूहों में बांट देंगे और उन समूहों में बांटने के पश्चात जो है उनसे अपने अलग अलग तरीकों से ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों की खोज करने के लिए कहेंगे। अध्यापक इस पूरी प्रक्रिया को अपने देख रेख में कराएंगे और जो है उस इस गतिविधि को करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री होती है वह बच्चों के परिवेश से या विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली साधारण सामग्रियां होंगी, जैसे मेज, डस्टर, तनिक तार, रबर बैंड, पाइप इत्यादि। प्रयोग विधि है कि अध्यापक के निर्देश देने के बाद बच्चे अपने अपने तरीकों से आवाज उत्पन्न करने के तरीके खोजेंगे। तत्पश्चात अध्यापक उनसे प्रश्न करेंगे और प्रश्न करने के बाद उनसे जो है समझेंगे कि उन्होंने कौन कौन से खोज किए। अध्यापक प्रश्न करेंगे कि बच्चों अब तुम्हारे द्वारा खोजे गए आप ध्वनि उत्पन्न करने के तरीकों को बताओ। तो छात्रों की क्रिया होगी जो निम्न प्रकार है कि प्रत्येक समूह जो है अपने अपने अनुसार बताएगा। उसमें सभी समूह जो है ध्वनि उत्पन्न करने की विधि बताएंगे और उसके उदाहरण बताएंगे। जैसे चोट मारने से, तो चोट मारने का क्या है कि यदि डस्टर से मेज पे चोट मारा जाए या एक बच्चा धीरे से किसी बच्चे को मारे, इस प्रकार से जो है चोट मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। खींच कर छोड़ देने से, धात्विक तार, रबर बैंड को खींच कर छोड़ दिया जाए तो भी ध्वनि उत्पन्न होती है। फूंकने से,
खोखली नली बांसुड़ी सीटी में फूंकने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। घर्षण से यदि किसी वस्तु पर दूसरे वस्तु को रगड़ा जाए तभी ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मेज के सतह पर डस्टर से रगड़ा जाए। इस प्रकार जो है यह हम जानेंगे कि कभी भी यह या निष्कर्ष रूप में बच्चों से कह सकते हैं कि जब भी दो वस्तुओं या सतहों में रगड़ उत्पन्न होती है या बलपूर्वक उनको संपर्क में लाया जाता है या जो है बलपूर्वक उन पे कोई एक्टिविटी की जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। अगली गतिविधि है कि ध्वनि का कंपन के साथ संबंध ज्ञात करना। इस गतिविधि में विशेषता हम जानेंगे कि वह कौन से कारण है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसके सीखने के प्रतिफल हैं, छात्र विभिन्न प्रयोग कर सकेंगे, छात्र ध्वनि उत्पन्न होने के कारणों से प्रकृति और घटना का संबंध बता सकेंगे। प्रयुक्त सामग्री धातु की प्लेट लेंगे, जैसे स्टील की थाली हो गई, फिर स्टील की चम्मच, थर्माकोल की छोटी गोलियां इत्यादि। प्रयोग विधि है कि थाली के किनारे पर चम्मच से कई बार विभिन्न बल से या आवेग से हम चोट करेंगे या बच्चों से कहेंगे कि वो चोट करें। चोट करने के बाद होगा कि ध्वनि उत्पन्न होगी, तो हम कभी कभी कहेंगे बच्चों से उसे बच्चे उस थाली को टच करो चोट करने के तुरंत पश्चात, या कभी कभी जो बहुत हल्की वस्तु जैसे थर्माकोल की गोली हो उसको जो है उस थाली में डाल देंगे और चोट करने को कहेंगे, फिर देखते हैं क्या रिस्पांस होता है। इस रिस्पांस को जानने के लिए अध्यापक जो है कुछ क्रिया करेंगे। अध्यापक छात्रों से प्रश्न करेंगे कि जब थाली पर चम्मच से चोट करते हैं तो क्या होता है, तो छात्र बोलेंगे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर दूसरा, जब चोट करने के तुरंत बाद थाली को अंगुली से स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, छात्र बोलेंगे कि थाली में कंपन का आभास होता है। हम टच करेंगे थाली को जब उसे चोट करने के बाद तो कंपन होता है और उससे कण कंपन करने लगते हैं, उसका आभास होता है। जब चोट करने के तुरंत बाद थाली में थर्माकोल की गोली रखते हैं तो क्या होता है, तो कहते हैं बच्चे कहेंगे थर्माकोल की गोलियां उछलने लगती हैं। अगला प्रश्न कि थर्माकोल की गोलियां क्यों उछलने लगती हैं, तो थर्माकोल की गोलियां थाली के कणों के कंपन के कारण उछलने लगती हैं, उनके कंपन के कारण उन पे बल लगता है और वो बहुत हल्की होने के कारण ऊपर उठने लगती हैं। इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि जब चम्मच से थाली पर चोट किया गया तो एक तो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और दूसरी जो है थाली के कणों में कंपन उत्पन्न हो रहा था। इससे इस प्रयोग का निष्कर्ष निकलता है कि कहीं भी जो आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, वह वस्तु के कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अगला, इसी बात को और मजबूत करने के लिए, इस तथ्य को और मजबूत करने के लिए हम दूसरा समकक्ष प्रयोग करेंगे, जो 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 है गतिविधि तीन है। गतिविधि का यहाँ नाम है कि ध्वनि का कंपन के साथ संबंध ज्ञात करना। मतलब जो गतिविधि तीन का दो का नाम था वही तीन का भी नाम है। इसमें भी सीखने के प्रतिफल वही हैं कि छात्र विभिन्न प्रयोग कर सकेंगे, छात्र ध्वनि उत्पन्न होने के कारणों से प्रक्रिया और घटना का संबंध बता सकेंगे। इस प्रयोग में हम एक रबड़ बैंड लेंगे, दो पेंसिल लेंगे और एक पेंसिल बॉक्स लेंगे। प्रयोग विधि है इस प्रकार है कि चित्र के अनुसार सर्वप्रथम हम रबड़ बैंड को लकड़ी के ऊपर चढ़ा देंगे और फिर रबड़ बैंड में दोनों पेंसिलों को फंसा करके कुछ दूरी पर फंसा देंगे। फंसाने के पश्चात यदि इस रबड़ बैंड को उंगली से ऊपर उठाएं या दबाएंगे, दबा के छोड़ दिया जाए तो रबड़ बैंड कंपन करने लगता है और उस कंपन से आवाज उत्पन्न होती है, जिसको जो है अध्यापक छात्रों से प्रश्न स्वरूप मतलब पता करेंगे। अध्यापक प्रश्न करेंगे कि दोनों पेंसिलों के बीच रबर बैंड को दबा या खींच कर छोड़ देने पर क्या होता है, तो छात्र प्रतिक्रिया देंगे कि ध्वनि उत्पन्न होती है और रबर बैंड के दोनों पेंसिलों के बीच का हिस्सा कंपन करने लगता है। यहाँ भी स्पष्ट है कि किसी एक गतिविधि से दो काम एक साथ हो रहे हैं, अर्थात यह है कि एक जो है जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसका कारण जो है कंपन ही है, रबर का कंपन ही है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वस्तु के कणों के कंपन से ध्वनि। अगली गतिविधि चार है, गतिविधि का नाम है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के वेग की तुलना। इसके प्रतिफल है कि छात्र विभिन्न प्रयोग कर सकेंगे, छात्र ध्वनि के वेग में
तुलनात्मक अंतर बता सकेंगे, अर्थात छात्र जो है ध्वनि विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की वेग होती है उनमें जो है यह बता सकेंगे कि किसमें ध्वनि का वेग अधिक होता है और किसमें कम होता है। इसके लिए यह बहुत छोटा सा प्रयोग है, इसमें एक लोहे की लंबी पाइप लगेगी और हम क्या करेंगे, चित्र के अनुसार दो बच्चे रहेंगे, बच्चे जो है पाइप के दोनों सिरों को अलग अलग पकड़कर एक बच्चा अपने कान के पास लगाएगा और दूसरा अपने मुंह के पास, और जो दूसरा बच्चा मुंह के पास लगाया है वह जो है आवाज करेगा तो पहला बच्चा सुनेगा। इसके पश्चात जो है हम बच्चे से प्रश्न करेंगे कि तुमको ध्वनि कितनी बार सुनाई दी, तो छात्र कहेगा 2 बार सुनाई दिया। फिर अगला प्रश्न होगा 2 बार क्यों सुनाई दी, तो कोई उत्तर नहीं, छात्र नहीं जानता है इसका कारण। तो फिर अच्छा अध्यापक इसको बताएगा कि जो पहला बच्चा जो ध्वनि उत्पन्न किया है उस वहां से ध्वनि जो है दो माध्यमों में होकर दूसरे के पास आई है, एक लोहे से होकर और दूसरा हवा से होकर। जो लोहे से ध्वनि होकर गुजरी है वह सबसे पहले पहुंची है और जो हवा से होकर ध्वनि गुजरी है वह उसके बाद पहुंची है, इस कारण एक ही ध्वनि 2 बार सुनाई दी। अध्यापक यह बताएंगे कि इसी क्रम में ठोस द्रव गैस जो 3 माध्यम होते हैं किसी वस्तु के या 3 अवस्थाएं होती हैं, तो ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इस गतिविधि का सीखना हो जाएगा कि ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, उससे कम द्रव में और सबसे कम। धन्यवाद।